गाइस वेलकम टू आवर न्यू लॉग। तो कैसा आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो है हम लोग रेडी हो चुके हैं और मैंने और अमीर भाई ने सुबह स्विमिंग भी की थी और हमें बहुत ज्यादा मजा आया था। तो और अभी अभी हम आए हैं, रेडी हुए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने नीचे। तो चलो चलते चलो चलते। शामिल जी अपना ब्रेकफास्ट लेते आ गए। शामिल ने तो सब देसी में लगा लिया। मैंने सॉसेजेस, बॉयल्ड एग, चिकन। वैरायटी है जी, बहुत वैरायटी है। आप दिखाएं इधर क्या लाए। मेरे साथ बॉयल्ड एग भी लाई हूँ और वैसे है मेरी और अदर की प्लेट से। ओह वाओ, बड़े वाओ। मेरे लिए भी ले आना। शामिल जो है लस्सी लेके आया। अल्लाह बरकत डाले आपके खानों में, आपके टेस्ट में। हमने बहुत ज्यादा खाया, हमें बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा अच्छा था। मेरे अकेले की थोड़ी है, मेरे साथ खोना माई भी है। और ये देखो दोनों बहुत प्यार है ना, क्रंची है। तो अभी जो है हमने नाश्ता कर लिया, नाश्ता बहुत ज़्यादा मज़े का था। और अभी हम थोड़ी देर बैठे हुए हैं ऐसे ही और कुछ चीज़ें लेने गए हैं शामिल भाई और फरिया भी, तो वो आएंगे फिर हम लोग जाएंगे। तो अभी सारे आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं। लस्सी पी के नींद आ रही है। पापा जी आज हम दही भले भी खाएंगे और लस्सी भी पिएंगे। ठीक है दे, लस्सी पिएगी, अभी मुझे नींद आ रही है। अच्छा, यार मैंने गोलगप्पे खा लिए, इनके गोलगप्पे कैसे होंगे? गोलगप्पे जैसे गोल होते हैं, जैसे गोल होता है उसके बीच में गप्पा करने में। पहले हम आए दादा दरबार क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा रश होती है और हम बाहर से ही सलाम करेंगे। बहुत तेजी फिर से नेविगेशन। और ये जो साथ है हमारे मेट्रो भी चल रही है, बस लगती है मुझे तो। बस ही है, बस है, ये तो मुझे पता है। हाँ फिर साइड पे है बादशाही मस्जिद। मुनारे पाकिस्तान, मुनारे पाकिस्तान, लोर लोर ए लोर लोर ए, मुनारे पाकिस्तान, मुनारे पाकिस्तान। The more I swim, the more
अभी हम लोग शाही किला में एंटर हो चुके हैं। जो हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा चलना पड़ेगा, तो गाड़ी में जाएंगे, ज्यादा बेहतर है। इतना भी अभी है हाँ जी, बस अलहमदुल्ला। शर्म करनी चाहिए वो हिमालयन को। लेट्स गो अंकल। लेट्स गो अंकल। ओए किस क्रीचे। गाना था या गानी मजा आया है ना। पापा जो है टिकट लेने गए हैं और फिर हम लोग अंदर जाएंगे, मजा आएगा वीडियो इसके अंदर जाने ना। गाड़ी फिर से ढूंढने जा रहे हैं क्योंकि ऊपर रास्ता बहुत ज्यादा है, आगे काफी ज्यादा जाना पड़ेगा, पैदल नहीं जाया जाएगा, गाड़ी का व्यू लेते लेते जाएंगे। पार्टी
पर है दीवाने आम, अभी हम यहाँ जाएंगे और पापा ने कहा यहाँ ही घूमते। और आप ये ना समझना कि टिकट खत्म होगी, जाने का भी है। अच्छा ठीक है, जाएंगे भी हम इसमें ही। ठीक, ये तो अड़ार गया। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा मजा इसमें ही आता है। हाँ, ये दरवाजा, ये किले का दरवाजा है। तुम लोग जाओ, मैं आहिस्ता आहिस्ता आती। आ जाओ फरिया, आ जाओ फरिया। वो अंकल बोल रहे हैं गोलगप्पे हैं खाने। बाद में कौन जीता है? हैदर, ये क्या किया अभी? वैसे परिंदों को परेशान किया। आज वीडियो की बनाई है। हां, तो मीनार पूरा नजर आएगा। क्या पूरा मीनार नजर आ रहा है बीच में से? अरे यार, चूना कसूरी मट्टी ब्रिक रोड फाइन कंकर लाइम माश की दाल और एक मिक्सर बनाया जाता है। ईंटें हाथ के साथ बनती हैं। हाथ के साथ का मकसद यह है कि जिस तरह मट्टी को आटे को गूंथते हैं ना, मट्टी को गूंथ के उनके पीसेस बनाए जाते हैं, फिर उनको आग के अंदर तैयार करते थे गोबर वगैरह, इसमें को लाबा बोलते हैं। ये फर्स्ट ओरिजिनल ईंटें ये हैं जो अकबर ने स्टार्ट करवाई थी। और ये बिल्डिंग जो पुरानी है, ये जोध अकबर के बेड चैम्बर्स थे और इनके कमरों की तादाद 1500 थी। 1500 ऐसी थी कि मस्ती गेट से स्टार्ट होता है और वो पीछे ट्री नज़र आ रहा है ना सर, वहाँ से ये बिल्डिंग, इस दीवार के पीछे से ना अकबर का सारा स्ट्रक्चर है। ये अकोमोडेशन टोटली अकबर की है, जितना ऊपर है इससे डबल नीचे। हम 80 फीट की हाइट्स पर हैं। अब आप देखें शहर की आपको बिल्डिंगें सिर्फ वही नज़र आएंगी जो बहुत हाइट्स पर हैं, इवन के वो जो ब्रिज है रोड के ऊपर वो भी नज़र नहीं आते आप लोगों को। और ये बिल्डिंग जिसका हमने जिक्र किया, दो दौलते खास स्वाम, इसके अंदर रूम्स है जो वो प्रे के लिए यूज़ करते हैं। हिंदुओं के दो पावरफुल गार्ड थे, एक गणेश हाथी वाला जो है खुदा होता है उनका, सेकंड वो सूर्य देवी भगवान सूर्य को कहते हैं, वो हम देख रहे हैं जिसके गेट वो दिए जला के जिसकी प्रे करता है। मेरी सही पिक्चर खींची थी नीचे से जरा। हाँ, रोटेट में। हाँ, एक सर्कल जैसे पंखा लगाते हैं, सीलिंग फैन लगाया जाता है, बिल्कुल उसके अंदर सर आपको एक चेहरा नज़र आ रहा है। और अकबर की जो था तीसरी वाइफ थी और वो लाडली वाइफ थी, वो ये था कि वाइफ उसको तसव्वुर करते हैं मैम जो दरबारी मामलात में मदाखलत कर सकती है। वैसे रुकैया बानो बेगम सुल्ताना, अकबर की शादियां बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उसका मकसद ये था कि वो जंग नहीं करता था, शादी का पैगाम पहुँचाता था कि मज़हब की बुनियाद पर। इवन के औरंगज़ेब के दौर में बाद में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए मज़हब की बुनियाद पर, जिन्होंने बादशाह मस्जिद तामीर की। वो छोटी सी एक बिल्डिंग नज़र आती है आपको सेंटर में, देख रहे हैं आप लोग, ये बैंक नोट के ऊपर आती थी, लेकिन हमें इसको वो नहीं शो करेंगे जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सैदरा। कि आगे जो मार्बल की जालियां नजर आ रही हैं, जहाँ स्क्रीन वर्क आपको लगा हुआ नजर आता है छोटा छोटा बेटा, इसको मेहताबी बोलते हैं। अब मेहताबी क्या आती है, वो पर्शियन जबान का लफ्ज़ है, वो स्टेज एरिया होता है जहाँ वो कथक करते हैं, जो उनके डांस एरिया होता है। 1605 में जब अकबर की डेथ हुई तो 22 साल जहांगीर ने हुकूमत की। आगे का पास टोटली शेखु सलीम का है और वहद मुगल हुक्मरान जहांगीर हैं जो इस बिल्डिंग से लेके 5 किलोमीटर दूर उनका मकबरा बना हुआ टाउन शदरे के अंदर, वो जहांगीर क्वाड्रेंगल है, यानी कि उसका बेड चैम्बर है। आगे का जो पेविलियन है, जो बड़ी बड़ी आर्चेस नज़र आती हैं, वो ब्रिटिश बना के गए। पीछे की बिल्डिंग 1605 की है। ये 1617-18 में ये बिल्डिंग और वो बिल्डिंग दोनों बनी थी, ये खास व आम मेहमानों के लिए मेहमान खाने थे। बेसमेंट में इसके बिहाइंड रिवर चलता था पुराने ज़माने में, जिसे रिवर रावी कहते हैं, बुढ़ा दरिया।
इस हिस्से में सबसे बड़ा डिनर देखा जाए, अभी यहाँ पे प्रोग्राम भी होते हैं टीवी के, पीटीवी के, हुमायूं सईद की मूवी का गाना भी हुआ था पंजाब नहीं जाऊँगी। तुर्की के सदर जो तैयब रजब अर्दोगान है ना, उनको डिनर शहबाज शरीफ ने इस पार्ट्स के अंदर दिया था जब वो लाहौर आए थे, अल बुराक की गाड़ियाँ वगैरह लाहौर वालों को देख। 07 ईयर में कंप्लीट हुआ। अब इसको इजी यहाँ से आप लोग समझ लेंगे क्योंकि आपने ज़्यादा चलना नहीं। इसके चार पार्ट्स हैं टोटली, तीन पार्ट्स हैं आगे जो है वो बाहर चला जाता है। फर्स्ट बेटा अकबर का है, सेकेंड जहांगीर का, थर्ड शाहजहां, यानी फादर सन ग्रैंड सन एंड ग्रेट सन। अब आपने फादर का देखा, सन का व्यू ले लिया, अब हम आगे ग्रैंड सन की तरफ जा रहे हैं। ग्रेट सन का बादशाह मौस की तरफ चला जाता है। तो वो जैसे जैसे आते गए एक्सटेंशन करवाते गए। जब फिर मुगल का जवाल आया, फिर सिखों ने बिल्डिंगें बनाई। ये रंजीत सिंह की रहायश है, पीछे खड़क सिंह की थी जो उधर से नजर आती है। हम इस रंजीत सिंह की रहायश के अंदर जाएंगे, जिसको हवेली आप माई जिंदा बोलते हैं। रंजीत सिंह गुजरांवाले में पैदा हुआ और उसने 40 साल हुकूमत की, लेकिन सिख फैमिली का 50 साल इकदार बनता है पंजाब के अंदर, जो अटक, कश्मीर, मुल्तान और सर चंडीगढ़ जो है इसके अंदर अंदर होते हैं। शाहजहां आया, उसके बाद औरंगजेब आया, फिर शाह आलम, शाह शानी, बहादुर शाह जफर के बाद में आया ना सर। फिर ये रंजीत सिंह तो 1799 में आया, सलीम 1627 में तो सलीम की डेथ होती है। सिख मजहब ही अकबर दौर कैसा है, अकबर से पहले सिख मजहब ही नहीं था बच्चे, इतना ज़्यादा ओल्ड ही नहीं है। ये जो आपके सामने ट्री नज़र आ रहा है, ये 250 ईयर ओल्ड ट्री है। ये बनियन ट्री है ना, बाढ़ सर बाढ़ की बड़ी लाइफ होती है दोस्त। कहाँ से घोड़ा गिराया गया था, वो टीवी में कुछ दिन पहले बड़ा इशू बना रहा था। बादशाह घोड़े के ऊपर बैठे, एक मौलवी ने पकड़ के नीचे गिरा दिया था, वो यहाँ पे था, लेकिन आप घोड़े को वापस मूव करके दूसरी जगह लगाने लगे। आज बच्चे आ गए, ये जो स्टिक्स नज़र आ रही है ना, इनको कर्च कहते हैं सर, अंकस होती है। अंकस हाथियों को ड्राइव करने के लिए, कर्च वो होती है जो घोड़े के ऊपर बैठ के यूज़ करते हैं। ये जो स्टिकें आपको नज़र आ रही है ना, ये वेपन है। ये चैन एलिफेंट्स की चाँस से आगे लगाए जाते हैं, जैसे मूवीज़ में आप देखते हैं ऐसे घुमा के, वो लेग माइज है। जैसे हम गाड़ी को पंचर करने हो तो कील होते हैं, ये इंजर्ड करने के लिए होते हैं। इसको आप थ्रो करें तो ये खड़ा हो जाता है, जिधर से भी गिरेगा उल्टा होगा। ये हाथियों के पाँव में लगता है, उनसे चला नहीं जाता। फर्मस है, जीरा, एल्बो, कैप, शीट, पेड़, नीचे किड्स के लिए। ये राउंड अबाउट 35 kg होता था, जो यूज्ड ओनली 1% सर। बाबर तो आपकी तरह सर दो लोगों को पकड़ के, जैसे आप ये बच्चों को उठा सकते हैं, तो किले की बाउंड्री के ऊपर एक चक्कर लगाता था। 4 किलोमीटर दीवार बनती है जिसपे मॉर्निंग वॉक एक सूरत में चक्कर लगाते थे बाबर सर। उनकी बच्ची की, उनकी जो रॉयल फैमिलीज होते थे ना, जैसे हमारे आजकल पबजी पे लग जाते हैं, वो 4 साल 4 माह 4 दिन से प्रैक्टिस स्टार्ट करवाते थे बच्चों की। ये रंजीत सिंह है मैडम, इसकी पंजाबी में काना भी कहते हैं, रंजीत सिंह काना ब्लैंड है ना। इसकी एक आँख छोटी है, उल्टे हाथ पर ब्लैंड से बड़ी जो आपको नजर आ रही है। ये पहले इसकी घोड़ी है जिसको हलूक किया गया है, हस्बे लाइलस है। इसके पास बेहतरीन घोड़े थे और पठान और सिख दोनों को मैं बड़ी जमजू है। वैसे हाँ, इसकी स्किन को हनूद किया गया, टैक्सीडर्मिनेटर है बेटा। अब आप यहाँ पे आए अंकल के पास बेटा, आपको वो गज दिखाता हूँ जो एक मिथ के मुताबिक कहते हैं ना, दूसरों के शोल्डर पे रखते हैं, लेकिन वो रवायती कहानी होते हैं। असल में ये स्नाइपर होती है, और इतनी बड़ी स्नाइपर आपने कभी भी नहीं देखी। उनके बैग स्लिप पे व्हाइट व्हाइट डस्ट नजर आ रहा है, ये जो है ना, ये असली जो उनके घोड़ा था ना, उसकी स्किन है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे, उसकी स्किन है ना सर, उसकी स्किन है। इस घोड़ी के पीछे 12,000 लोग मरे, जंग होगी। जब लोग सच नहीं बोलते थे तो सच उगलवाने के लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसके अंदर फिंगर रख के साइड से टाइट्स करते हैं, क्लोज होते हैं वो नेल के लिए, जो सामने सर के पास है, ये हड्डियाँ तोड़ने के लिए, दरमियान में गन पाउडर के लिए। ये बारूदी पैमाना है, ये टेलीस्कोप नहीं कैनन है। 100% लोग दूरबीन ही कहते हैं लेकिन कैनन है। ये सुराख बारीक देख रहे हैं जो अंकल की फिंगर के नीचे हैं, दो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं बारीक। ये आग लगा के ट्रेनिंग, इसके नीचे टायर भी होता है। ये रिवॉल्वर है पिस्टल,
बाकी वही है, इससे गोलियां बनाते थे, ये बुलेट्स हैं आपकी, ये स्ट्रोंग हाथ लगाने के लिए, और ये डाई हैं जिससे टॉप को गोले बनाए, ये पठानों की चूड़ियाँ थी, ये लॉर्डन अहमद शाह अब्दाली ने इस्तेमाल की, गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेमाल होती हैं। ग्राउंड डेटा देना, ये किंग की क्राउन की कॉपी है, रॉयल शाही बावर्ची खाने थे, बोले कहा ना साथ वाली साइड पे एरो उधर को जा रहे शाही बावर्ची खाने, लेकिन इनको गोरों ने जेलों में तब्दील किया था जब ब्रिटिश आए थे, ये 1988 में बेनजीर ने ख़त्म करवाई थी, यहाँ भुट्टो साहब भी टूट गई थे तकरीबन कैद रहे थे, गवर्नर सुलेमान तसीर हसन साहब, डॉक्टर मजीबुररहमान, सियासी लोगों को यहाँ कैद किया जाता था, ये इसमें बारीक शीशे लगे हुए हैं सारे, ये सर ये शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के लिए बनवाया था 1631-32 में, तो उसने ड्रीम देखा मैं बादलों में उड़ रही हूँ, इसमें सबसे महंगी बिल्डिंग ये 9 लाख है जो 9 लेग्स में बनी थी मलका की ताज की तरह, इसमें बैठ के वो रिवर देखती, इसके अंदर उनके सैलून और वो सारा काम था, तो ये इसको स्टोन के साथ आग लगाते थे बेटा, ये देख लें बकायदे से आग लगाने के, इसमें धागा होता था ना, बात ही गोला बरूद था, लेकिन ये तो अभी हमारे महकमे ने डिस्प्ले करवाई, उस जमाने में स्टैंड के साथ होती थी ना टायर, फिर कबूतरों को उड़ाने, मुझे पता ही नहीं चल रहा जो है, हम लोग निकल चुके हैं और गर्मी काफी थी, थोड़ा थक भी, गजरा लिया, अब जाके फ्रिज में रख दे अभी हम लोग जा रहे हैं ग्वाल मंडी, हम लोग जा रहे हैं लस्सी पीने ग्वाल मंडी, वो लस्सी बड़ी शुपैक की होती है, नीचे लस्सी ऊपर दही की एक वो लेयर, उसके ऊपर एक मक्खन की लेयर, भाई ये तो तुमने मलाई मलाई सॉरी भाई ये तो तुमने टीवी में देखा था, पता नहीं असली में क्या होगा, ऐसा ही होगा, बहुत लगी है ना, तो गाइस अभी जो है पापा लस्सी की लेने गए हैं, अभी पापा लस्सी लेने गए हैं, जो आप जो है नमकीन पीती हैं, हम मिट्टी पीते हैं, मिट्टे लस्सी आ गई, आ गई कैसे, फिर से बोल, मजा आ गया, मुबर्शन की तरह मजेदार यार, ये थिक सी है, बहुत मजे की यार, बहुत मजे की, मजे की है। वहाँ पर चिड़िया घर है, हम वहाँ पर आए हुए हैं, और पहले आए थे, बहुत पहले आए थे, तकरीबन 10 साल पहले, तो अभी पापा कहते हैं उधर जाना है, तो हमने कहा कि हमें 10 साल पीछे लेके जा रहे हैं, पापा कहते हैं मेरे बच्चों में आपको ये दिखा, इसका नाम है ज़ेब्रा, ZEBRA, और यहाँ पर गर्मी काफ़ी है, कल तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था, क्योंकि शाम थी, शाम को गर्मी कम हो जाती, यार लस्सी पी के मज़ा नहीं आ गया, हाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया लस्सी पी के, नींद भी आ गई, अभी नहीं नहीं स्विमिंग से, हाँ स्विमिंग से मुझे नींद, पापा मैं और हैदर जाएंगे स्क्रीचिंग करेंगे, मैं आराम से बैठ, तेरी रुक हैदर, इस नेविगेशन ने आपका क्या किया है, क्यों इतना आपको गुस्सा ना बोलती है, राइड हो जाए, अगर वो ना बोलती फिर आप कहाँ जाते, बस गाड़ी पूरे लाहौर में चला तो नहीं सकते के खाने का क्या प्लान है, दिन के खाने का भी भूखी नहीं है, रास्ता इतना भर गया होगी तो यार बिरयानी खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, रुक जरा सब्र करो, चाट को कोई बोलता है, हाँ, हाँ, गप्पो को बोलता है, तो कुछ बोलता है,
अभी हम लोग जो है होटल में आ चुके हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और शाम का फिर प्लान देंगे क्या बनेगा, इंशाल्लाह फिर निकलेंगे। बल्ले बल्ले ओ खालो सही बल्ले हटो ये किस चीज है, झूठे ने काट निकाल झूठा। ओ भाई ऑन करने ओ कितने सिस्टम है अंकल, अभी जो हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग करने और चलो फिर से स्विमिंग करने। हां तो चलो चलो। और हम सुबह गए थे 8:30 बजे तो हमने थोड़ी देर की थी, फिर आ गए थे, हमने जाना था तो अभी फिर जा रहे हैं। पापा भी आज हमारे साथ स्विमिंग करेंगे तो अभी चलते हैं। तो अभी जो है हम लोग रूम में बैठे हुए हैं, हैदर और शमी जो है वो स्विमिंग करने गए हैं और हम लोग गए थे शाही किला और वहाँ हम इतना थक गए हैं, अभी हम टाइम हो रहा है 2:40 और हम लोग रूम में और वो लोग तो स्विमिंग करने गए हैं। तो मैंने पापा से कहा कि बिरयानी खानी है, फिर हमने सर्च किया विकास बिरयानी जो लाहौर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मगर वो हम चाहते थे कि डिलीवरी देते हैं, वो डिलीवरी नहीं करते तो हमने अपने होटल में जो सर्विस है उनसे ही मंगवा लिया चिकन बिरयानी। तो हमने उन्हीं से मंगवा लिए चिकन बिरयानी और अभी वो थोड़ी देर में आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, भी हम लोगों ने बिरयानी मंगाई है और रूम में ही मंगा ली थी हमने, सुबह नाश्ता करके हाँ, गए थे नीचे से मंगाई है हाँ। अच्छा होटल से मंगवाई है हाँ जी, लग प्यारी भी है ना, आओ टेस्ट करें आ जाओ। बादयान का फूल निकला, शमीर कहते हैं स्टारफिश स्टारफिश कहते हैं। एक बार मेरे मुंह में जलेगी, ले लो यार आप लोग चारों चारों उसी में खा लो। ठीक है पहले ऐसे टेस्ट तो करो यार। चलो ये चम्मच तो सुनो मामा, बोटी के साथ खाऊंगा बड़ी है पर बढ़िया। थैंक यू। अरे क्या है रे बोटी वगैरह खा के यहाँ पर लेट के आप हम लोग देख रहे हैं टीवी। मजे की बिरयानी थी यार, बहुत मजे की थी, मजा आ गया। मम्मा लस्सी हैदर आ गया हूँ, मैंने भी प्लीज गिव स्पेस, आ गया हूँ ना प्लीज गिव स्पेस। ये क्या बात हुई, मुझे स्पेस दो चलो।